हेलो फ्रेंड्स, माय सर सीए रोहित विश्नोई और आज हम डिस्कस करने वाले फाइनल पार्ट अपना एफडी सीरीज का। जो कंक्लूजन जो मैं आपके जितने भी मैंने पार्ट्स बनाए हैं, इससे पहले भी जो भी एफडी की वीडियो बनाई है, कंक्लूजन मैं देना चाहता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। देखिए एक चीज साफ है, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं अपना पैसा सेफ हो। अब इसमें मैं पहले भी काफी सारी वीडियो बना चुका हूँ। सबसे पहले एक मैंने वीडियो बनाई थिंग्स टू बी कैप बिफोर इन्वेस्टिंग इन एफडी, किन बातों का आप ध्यान रखें एफडी कराने से पहले, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वो आप देख लेना। इसके अलावा मैंने इस सीरीज में तीन पार्ट पहले ही बना चुके हैं, वो भी आप देख लेना। अब फोर्थ पार्ट जो है हमारा कंक्लूजन, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली आप क्या क्या चीज़ों का और ध्यान रखें जो हमारी मेरी पहली वीडियो में हो सकता रह गया हो या कवर भी हो, तो मैं ऑलरेडी एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज, एक तो आप जो बैंक हैं उसे आपको बहुत केयरफुली चूज करना है। केवल इंटरेस्ट नहीं देखना, आपको इंटरेस्ट प्लस सेफ्टी दोनों चीजों का ध्यान रखना है। सेकेंड, जैसा कि बैंक में अगर कोई डिफॉल्ट हो जाता है, बैंक करप्ट हो जाता है, तो जो हमारा इंश्योरेंस होता है वो 5 लाख का होता है। तो अगर आप ज्यादा की एफडी कराना चाहते हैं तो आप मल्टीपल बैंक्स में एफडी करा सकते हैं, जिससे आपका जो सिक्योर अमाउंट है 5 लाख, वो सब बैंकों में 50 लाख आप 10 बैंकों में ऑप्ट कर सकते हैं, या 2 होल्डर के नाम पर आप कर सकते हैं 25-25 लाख रुपए। बेनिफिट ऑफ सीनियर सिटीजन, जैसे कि आपको पता है सीनियर सिटीजन को 0.25 से 0.1% तक इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, तो आपने पेरेंट्स के नाम पर करा कर एफडी में बेनिफिट ले सकते हैं। फोर्थ, काफी बार मैं देखता हूँ लोग क्या करते हैं, जैसे 50 लाख रुपए उसकी एक ही एफडी उन्होंने करा दी, अब बाद में कोई इमरजेंसी फिर उसे तोड़वाना पड़ा, तो आप इसे ब्रेक करिए, इसकी जगह आप 10 एफडी कराइए, और जिससे अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आपको सारी एफडी ना तोड़नी पड़े, केवल एक ही एफडी तोड़कर आपका काम चल जाए। फिफ्थ पॉइंट, आप क्या ध्यान रख सकते हैं, लोन। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ लोन अगेंस्ट एफडीआर की फैसिलिटी आप स्टार्टिंग से ले सकते हैं, इन केस अगर कोई इमरजेंसी है तो आप लोन ऑप्ट कर सकते हैं और कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी। काफी लोगों को नहीं पता, तो अपना बैंक देखकर चूज करें, बैंक वालों से एक बार पहली बात कर लें कि ओडी फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है या नहीं है। तो दोस्तों, इंटरेस्ट, सेफ्टी, इंश्योरेंस, बेनिफिट ऑफ सीनियर सिटीजन, एफडी को छोटे छोटे अमाउंट में कराएं, लोन अगेंस्ट एफडीआर को ऑप्ट करें, और जो लास्ट मैंने आपको बताया था, चेक करें कि प्री मैच्योर विड्रॉल करके हमें नई एफडी कराने में बेनिफिट है या नहीं है। अगर बेनिफिट है तो आज ही अपनी न्यू एफडी कराइए, पुरानी वाली एफडी तोड़ दीजिए, प्री मैच्योर विड्रॉल कर लीजिए। तो दोस्तों, एक और पॉइंट रह गया है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक टीडीएस का और इनकम टैक्स का जरूर ध्यान रखें। अगर आपके ऊपर टैक्स नहीं बन रहा है और एफडी का इंटरेस्ट स्लैब रेट से कम आ रहा है, तो फॉर्म 15G/15H आप दे दीजिए, इससे आपका टीडीएस नहीं कटेगा, अदरवाइज आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, फिर रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है, सीनियर सिटीजन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, एक एफडी बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, जो सीनियर सिटीजन लोग होते हैं जो ज्यादा रिस्क जोखिम नहीं लेना चाहते, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। तो आप इसे ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी रिटर्न्स मैक्सिमाइज होगी, रिस्क जो है मिनिमम होगा, और भी ऑप्शंस को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी एक एफडी सीरीज जो मैंने आपको बनाई थी। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट है कि सर आपने वीडियो नहीं बनाई है एफडी पर, काफ़ी दिनों से ये हमारे डाउट्स हैं, तो मैंने हर एक डाउट को एक सेपरेट टॉपिक लेकर डिस्कस करा है। आई थिंक आपको ये सीरीज पूरी पसंद आई होगी, और आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू वंस अगेन, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।